नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे 1830 की फ्रांस की क्रांति की। 1830 की फ्रांस की क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी और इसका मुख्य कारण सम्राट चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति और उनका निरंकुश शासन था। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना करते हुए लुई 16वें के भाई लुई 18वें को फ्रांस का शासक बनाया था। लुई 18वें को दो परस्पर विरोधी गुटों का सामना करना पड़ा था। एक तो थे लिबरल्स, जो कि 1789 की क्रांति के सिद्धांतों को पुनः लागू करना चाहते थे फ्रांस में, और दूसरा था अल्ट्रा रॉयलिस्ट, जो क्रांति के विरोधी एवं राजतंत्र के समर्थक थे। लुई 18वें ने समझ लिया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में निरंकुश राजतंत्र स्थापित करना आत्मघाती होगा, इसलिए उसने एक उदारवादी नीति का अनुसरण करते हुए उदार संविधान लागू किया, जिसके अधीन एक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा की स्थापना और फ्रेंच जनता के समानता का अधिकार तथा धर्म तथा प्रेस की स्वाधीनता स्थापित की गई। स्वाभाविक रूप से अल्ट्रा रॉयलिस्ट इस उदारवाद का उन्होंने विरोध किया और मजबूर होकर लुई 18वें ने उदारवाद की इस नीति को स्थगित कर दिया। 1824 में लुई 18वें की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनका भाई चार्ल्स दशम फ्रांस का शासक बना। उसने बुर्बो राजवंश के पुराने वैभव को पुनर्स्थापित करने की नीति का अनुसरण करते हुए प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के समान वह राजा और राज्य को देवीय संस्था समझता था। 25 जुलाई 1830 को उसने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें प्रेस की स्वाधीनता विधानमंडल को भंग कर दिया गया और मताधिकार भी सीमित कर दिया गया। इस अध्यादेश के लागू होते ही राजधानी पेरिस में जनता ने विद्रोह कर दिया और शीघ्र ही राजा के सैनिकों को परास्त कर राजा के महल पर कब्जा कर लिया। फलस्वरूप राजा चार्ल्स दशम को वहां से भाग निकला और इसके बाद अब विधानमंडल ने सिंहासन लुई फिलिप को सौंप दिया, जो कि बुर्बो राजवंश की उपशाखा ऑर्लियन वंश से संबंधित था। लुई फिलिप ने एक संवैधानिक शासक के रूप में शासन करना स्वीकार किया और कहा कि वह किंग ऑफ फ्रांस ना होकर किंग ऑफ द फ्रेंच है। इस प्रकार जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। धन्यवाद।